इनकम टैक्स भरते हुए स्टॉक मार्केट प्रॉफिट के ऊपर आपने दो तरह के टैक्स सुने होंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन इंट्राडे और एफएनओ ट्रेडिंग में आपको ये दोनों तरह के टैक्स नहीं देने, देना पड़ेगा तो स्लैब बेस्ड इनकम टैक्स, जो कि वो लोग भी देते हैं जो ट्रेडिंग ही नहीं करते। एग्जांपल, आपके पूरे साल की सैलरी 10 लाख रुपए है, उस साल आपने एफएनओ ट्रेडिंग से 1 लाख रुपए कमाया, इंट्राडे से भी 1 लाख रुपए कमाया, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग से भी 1 लाख रुपए कमाया। यहाँ पे आपकी डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा 15% के हिसाब से, मतलब 1 लाख के प्रॉफिट के ऊपर 15,000 रुपए का टैक्स। अब इस डिलीवरी ट्रेडिंग को हटा दिया जाए तो आपकी टोटल इनकम पूरे साल की है 12 लाख रुपए। अब इंडियन टैक्स स्लैब्स के हिसाब से आपका पूरे साल का इनकम टैक्स बना 1,72,000 रुपए और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के 15,000 जोड़ के टोटल पूरे साल का इनकम टैक्स आपका हुआ 1,87,000 रुपए। अब ये तो हो गई प्रॉफिट्स की बात, स्टॉक मार्केट में नुकसान भी तो होते हैं, ज्यादातर नुकसान ही होते हैं। अगर इस साल इंट्राडे में आपने 2 लाख कमाया है और पिछले साल 1 लाख का नुकसान किया था, तो आपको एक्चुअल में सिर्फ 1 लाख के ऊपर ही टैक्स देना है। ऐसा कैरी फॉरवर्ड आप इंट्राडे में 4 साल तक कर सकते हैं और एफएनओ में 8 साल तक। और लास्टली, इंट्राडे के लॉस को आप इंट्राडे के प्रॉफिट के साथ कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन एफएनओ के लॉस को आप एफएनओ और इंट्राडे दोनों के प्रॉफिट के साथ कैंसिल कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट टैक्सेशन को लेकर जितने भी डाउट्स हैं कमेंट्स में पूछिए, सब बताएंगे।